दोस्तों, भले ही क्रिसमस आने में अभी कुछ दिन का वक्त हो, लेकिन भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली अभी से खुशियों की इस मौसम के रंग में रंग गए हैं। विराट कोहली क्रिसमस से एक सप्ताह पहले सांता क्लॉज बनकर कोलकाता के एक शेल्टर होम यानी कि आश्रय गृह में पहुंचे। इस दौरान विराट कोहली को देखकर बच्चों के चेहरे की मुस्कान देखने लायक थी। स्टार स्पोर्ट्स ने एक वीडियो जारी किया है। विराट कोहली के इस वीडियो में बच्चों के सीक्रेट सांता बनकर सरप्राइज देने पहुंचे, बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान विराट कोहली ने बच्चों से मुलाकात की, बातचीत की और बच्चों से पूछा कि वह क्या विराट कोहली से मिलना चाहते हैं। सकारात्मक जवाब सुनते ही विराट ने अपनी नकली सफेद दाढ़ी निकाली और टोपी उतार फेंकी। जल्द ही यह सरप्राइज बच्चों के चेहरे पर खुशी ले आया। आखिर में विराट ने क्रिसमस और नए साल की बधाई देते हुए कहा कि यह पल मेरे लिए बहुत खास है। यह सभी बच्चे साल भर हमारे लिए खुश रहते हैं और मेरे पास इन सभी बच्चों के लिए अच्छा समय है। मेरी क्रिसमस और आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। फैंस का मानना है कि बच्चों के चेहरे पर खुशियां ला चुके विराट साल का अंत बेहतरीन अंदाज में करेंगे। तो दोस्तों, ये थी विराट कोहली के क्रिसमस से पहले सांता क्लॉज बनकर बेसहारा बच्चों में खुशियां बांटने के बारे में जानकारी।